स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए थे तो उन्होंने बहुत सारी दिव्य लीलाएं की। रास लीला जो बहुत ही सुंदर माना जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण के जन्म देने वाली माता देवकी थी, वहीं पर श्री कृष्ण की पालन पोषण करने वाली माता यशोदा थी। मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला पोसा है। वहीं श्री कृष्ण ने कई सारी लीलाएं मैया यशोदा के साथ की है। कभी दामोदर लीला और कभी मिट्टी खाकर अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाना और कभी माखन चोरी, ऐसे कई सारे लीला मैया यशोदा के साथ श्री कृष्ण ने रची है। लेकिन दोस्तों अगर हम आपको बताएं कि मैया यशोदा ने श्री कृष्ण की रास लीला देखी है तो इस पर शायद ही आप भरोसा करें, लेकिन इसका प्रमाण आज भी वृंदावन में मौजूद है। वृंदावन के समीप वट वन स्थित है, जो इस बात का पूरा प्रमाण देता है कि मैया यशोदा ने किस प्रकार रास देखा था। एक बार की बात है, जब ठाकुर जी गायों को चरा रहे थे और गायों को बुला रहे थे, उसी वक्त मैया यशोदा वहां पर आ जाती है। जंगल से आने के कारण मैया यशोदा को बहुत ही ज्यादा पसीना आ जाता है। उस वक्त ठाकुर जी ने मैया यशोदा को कहा कि मैया इस कुंड में आप स्नान कर लीजिए। मैया यशोदा ने जिस कुंड में स्नान किया था उस कुंड को शीतल कुंड नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब मैया स्नान करके आई तो उस समय मैया ने रास दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और ठाकुर जी ने मैया को रास दर्शन करवाया। लेकिन ठाकुर जी ने मैया यशोदा से कहा कि मैया आप यहाँ पर छुपकर रास का दर्शन कर सकती है। श्री कृष्ण ने रास लीला शुरू की। यशोदा जी को यहाँ रास बिहारी ने रास दिखाया, जिसमें गोपियों को भी संकोच नहीं हुआ और मैया यशोदा की भी इच्छा पूरी हुई, अतः इस स्थल का नाम पोर्ट वन हो गया। ब्रज की परिक्रमा करते समय ये वन मार्ग में ही मिलता है। यहाँ सूर्य कुंड श्रीनाथ जी की बैठक भी है। दोस्तों श्री कृष्ण की लीला समझ पाना असंभव है, और ये बात भी बहुत ही ज्यादा हैरानी की है कि मैया यशोदा ने रास लीला देखा था, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।